जब आप आते हो प्रिपरेशन में तो बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए। क्या होता है कि आप जब पढ़ते हो तो आपके पास आप ये सोचते रहते हो कि कब क्लियर होगा, फाइनल सिलेक्शन कब होगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। और आप प्रीलिम्स फेल करते हो, फिर आप सोचते हो अगले साल प्रीलिम्स है, फिर अगले साल सिलेक्शन होगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि करना ये चाहिए कि सिर्फ आज का एक टारगेट रखो, छोटे छोटे टारगेट्स रखो कि जैसे सपोज आज रात तक आपको क्या करना है, वो कवर करना है। तो छोटे टारगेट्स रखोगे, आप इंगेज भी रहोगे और अपने आप को ज़्यादा बर्डन भी नहीं करोगे। मैंने जो रियलाइज़ किया वो तो एक पार्ट है लाइफ का, अप एंड डाउन चलते रहते हैं। अब वो पर्सपेक्टिव है आप किस तरीके से फेलियर्स को देखते हो। मैंने हमेशा एक लर्निंग कर्व की तरह देखा है फेलियर को, क्योंकि इम्प्रूव ही करते हैं आपकी पर्सनैलिटी को कुछ ना कुछ। अब मेरे एग्जाम्पल दो, प्रीलिम्स में एक एक स्टेप ही मैं बढ़ाऊँ, तो फेलियर्स से कभी मत घबराना, फेलियर्स पार्ट है लाइफ का। अगर फेलियर्स से घबरा जाओगे तो फिर कुछ नहीं होगा, और उसको अगर पार कर लोगे तो सब कुछ ठीक है।